स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज एनोलॉजिकल लेटर कोडिंग डी कोडिंग अब कोडिंग डी कोडिंग एज आईव ऑलवेज सेड इट इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग क्योंकि मैक्सिमम आई नॉट से मैक्सिमम बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोडिंग डी कोडिंग इज बेसिकली कि एक वर्ड है उस वर्ड को हम कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कोई भी थर्ड पार्टी उस वर्ड को समझ ना सके तो बेसिकली कोडिंग इज़ इंक्रिप्शन, कोडिंग का मतलब होता है इंक्रिप्शन और इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि हम एक वर्ड को या एक लेटर को हिडन फॉर्म में कर देते हैं ताकि खाली जो जिस जो हमारा रिसीवर है उसे समझ आए मैसेज क्योंकि जो भी जिस भी लॉजिक से हम कन्वर्ट करते हैं उस नंबर को वो लॉजिक रिसीवर को भी पता होता है और सेंडर को भी पता होता है और रिसीवर और सेंडर के अलावा और किसी को भी वो लॉजिक पता नहीं होता एंड डी कोडिंग रेफर्स टू डिक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि वापस से उस कोडेड फॉर्म से ओरिजिनल फॉर्म में लेटर को लेके आना या किसी भी नंबर या वर्ड को लेके आना तो आज हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग डी कोडिंग जहाँ पर हम लेटर्स को एक कोड में कन्वर्ट करेंगे बेसिकली क्वेश्चन होते हैं कि लेटर्स होते हैं वो कोडेड फॉर्म में होते हैं हमें उस कोड और लेटर्स को देख के उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना होता है ये देखना होता है कि वो किस लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कोड बना है और उसके बाद हमारे पास सर्टन वर्ड्स दिए होते हैं उनको हमें कोट करना होता है नाउ टुडेज टॉपिक इज एनालॉजिकल कोडिंग डी कोडिंग कोडिंग डी कोडिंग में होता है कि एक वर्ड दिया होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक कोड दिया होगा लेकिन वो कोड कोई सीक्वेंस uh, में नहीं होगा ना ही उसका कोई लेटर्स के साथ कुछ रिलेशन होगा जो भी इस वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग कोड होगा बस वही वो कोड होगा और उसको देख के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है दैट इज़ एनोलॉजिकल कोडिंग डी कोडिंग कोई फॉरवर्ड सीक्वेंस नहीं है कोई बैकवर्ड सीक्वेंस नहीं है एल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं चलना है ऑपोजिट लेटर्स को नहीं देखना है डायरेक्टली जो वर्ड है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी कोड है बस उसी को देख के यू विल हैव टू फाइंड द आंसर तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर दैट इज़ डब्ल्यू 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 डॉट अभ्यास ऑनलाइन डॉट इन रजिस्टर करने के बाद आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स होंगे उन प्रैक्टिस पेपर्स को अटैम्प्ट कीजिए इन ऑर्डर टू एनालाइज़ योर स्किल्स ये देखने के लिए कि आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट कौन से हैं और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर हमें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें हम तभी एनालाइज कर पाएंगे जब हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे टेस्ट देंगे तो अटैम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन रजिस्टर करें आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर और उसकी हेल्प से आप अपने आप को एनालाइज कीजिए नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनालॉजिकल लेटर कोडिंग डी कोडिंग सो लेटेस लुक एट क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क को हमने कोट किया हुआ है एस ओ पी सी टी आर एस क्यू और इन दोनों का रिलेशन देख के हमें डिराइव करना है कोट फॉर क्रॉप्स तो इससे पहले क्रॉप्स तो हम तभी फाइंड कर पाएंगे इसका कोड जब हमें पता हो कि नेटवर्क और ओ पी सी टी आर एस क्यू में क्या कॉमन है या क्या रिलेशन है इसके बीच में या फिर कैसा लॉजिक है जो जिसके थ्रू नेटवर्क से हमारे पास ये कोड डिराइव हुआ है तो पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली ये देखना है कि एन के कॉरस्पॉन्डिंग कोड है ओ ई e के कॉरेस्पॉन्डिंग कोड है पी द कोड कॉरस्पॉन्डिंग टू टी एज सी डब्ल्यू इज़ टी आर इज़ सॉरी ओ एज आर एंड आर एस एस एंड के एस क्यू ये कोड है राइट right? अब हमें बताना है कि क्रॉप्स का कोड क्या है अगर हम नेटवर्क में देखें तो नेटवर्क में कहीं भी सी नहीं है और कहीं भी पी नहीं है और एस पी नहीं है बट अगर हम यहाँ पर देखें तो सी भी है आर भी है ओ भी है पी भी है और एस भी है मतलब हमें इस साइड से कोट को चेक करना है और इधर वाली साइड में कोट को चेक नहीं करना है राइट एंड वन मोर थिंग दैट एनालॉजिकल कोडिंग इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज आर्बिट्ररी कोड्स तो अगर कभी को क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कोड्स का क्वेश्चन आए तब भी इट मींस द सेम बिकॉज इट इज द सेकंड नेम गिवन टू एनालॉजिकल कोडिंग अब हम क्रॉप्स की बात करते हैं सी आर ओ पी एस हमने देखा कि सी के कोरस्पोंडिंग लेटर है टी तो यहाँ पर सी के कोरस्पोंडिंग टी आ जाएगा नेक्स्ट आर आर के कोरस्पोंडिंग कोड है ओ मैंने कहा है कि यहाँ पर ही क्रॉप्स बन रहा है तो हम इधर साइड से ही देखेंगे यहाँ पे आर का एस नहीं लिखेंगे आर का कोड आएगा ओ वाई बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉलम सी आर ओ पी एंड एस तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी लेटर है वो यहां पर आएंगे ना कि इस वाली साइड के कोरस्पॉन्डिंग तो आर का कोरस्पॉन्ड कर रहा है ओ तो हमारा यहाँ पर लेटर आ जाएगा ओ ओ के कोरस्पॉन्डिंग है एन सिमिलरली पी को कोरिस्पॉन्ड करता है ई e, और एस को कोरिस्पॉन्ड करता है आर तो टोनर इज आर आंसर कि जैसे नेटवर्क को हमने कोट किया है o, P, C, T, R, S, Q में ऐसे ही क्रॉप्स को कोट किया है टोनर में सो दिस इज रेफर टू एज एनोलॉजिकल कोडिंग ये फर्स्ट एग्जाम्पल था टेक अ लुक एट सम मोर ना लेट्स टेक एट क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड क्वेश्चन में हमें इंग्लैंड का कोर्ट बताया हुआ है दैट बी एस टी आर एस आई ये है इंग्लैंड का कोर्ट आई हैव टू फाइंड द कोर्ट फॉर लेड एंड इन अब इन दोनों का कोर्ट को फाइंड आउट को करने के लिए अगेन आई हैव टू सी कि इंग्लैंड के कोरस्पॉन्डिंग ये कोर्ट कैसे आया इसके पीछे का लॉजिक मुझे डिराइव करना पड़ेगा जब मेरे को लॉजिक समझ आ जाएगा तो लेंड और का भी लॉजिक ईजिली निकल जाएगा मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इनलैंड से ये कोट कैसे आया ये लॉजिक हमें निकालना है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे इनलैंड और इधर एनोलॉजिकल लेटर कोडिंग डी में मैंने आपको बताया है कि डायरेक्टली उसके तो कोरस्पॉन्डिंग जो भी कोड है वो हम लिख देंगे तो आई के कोरिस्पॉन्डिंग है बी एन के कोरिस्पॉन्डिंग है एस एल के कॉरस्पॉन्डिंग कोड है टी ए तो तो के कोरस्पॉन्डिंग कोड है आर एन के कॉरस्पॉन्डिंग है एस और डी के कॉरस्पॉन्डिंग है आई ये कैसे देखा क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लेटर्स यहाँ पर है और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ही लेटर यहाँ पर है हर हाँ लेटर के कोरिस्पोंडिंग एक कोड है और उसके थ्रू हमने ये सारा डिराइव कर लिया अब फर्स्ट है लेट तो हम एज इट इज लेट को लिख देंगे अब हम ये चेक करेंगे कि लेट जो है वर्ड इधर से डिराइव हो रहा है कि कोड से डिराइव हो रहा है तो हम देखेंगे कि एल ए आई डी लेट जो है वो इनलैंड से डिराइव हुआ है तो अब इनके कोरस्पोंडिंग जो भी लेटर्स हैं हम वो चेक करेंगे एल ए आई एंड डी तो ऐसे ही अब लेट के कोरस्पोंडिंग जो जो लेटर्स हैं हम उन लेटर्स को आ, उनके कोरस्पोंडिंग उसके कोड्स लिख देंगे तो सबसे पहले है एल अब एल के कोरस्पॉन्डिंग है टी बिकॉज आई के कॉरस्पोंडिंग है बी एन के कोरिस्पॉन्डिंग एस है और एल की कोरस्पोंडिंग टी आएगा ऐसे ही एल के कोरिस्पॉन्डिंग यहां पर आ गया टी ए के कोरिस्पॉन्डिंग आएगा आर आई के कोरिस्पोंडिंग आएगा बी और डी के कोरिस्पोंडिंग आएगी आई तो लेट का कोड बन गया टी आर बी आई ईजिली फाइंड आउट हो गया बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये यहाँ पर हमें सिंपली ये लॉजिक डिराइव करना होता है और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी लेटर्स हैं वो यहाँ पर कोड उसका बन जाएगा वेरी सिंपल क्वेश्चंस, कुछ भी एक्स्ट्रा लॉजिक यूज करने की जरूरत नहीं है ना ही स्किप करने की जरूरत है ना ही कोई एक्स्ट्रा स्किल्स लगाने की जरूरत है डायरेक्टली जो भी आपको गिवन है वहां पर रीप्लेस करने है वर्ड्स दैट सेट नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इन और in का हमें कोड डिराइव करना है डायरेक्टली देख लो कि एन का कोड यहाँ पर भी एस है और यहाँ पर भी एस है तो पता लग गया और आई का कोड है बी तो बी एस एस ये हमारे पास आ गया द कोड फॉर इन तो ये दोनों आ गए हमारे आंसर्स वेरी इजी टू डिराइव मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग रिगार्डिंग कोडिंग डी कोडिंग सबसे ईजी टॉपिक है ये कोडिंग डी कोडिंग का एंड uh, ऐसे ही क्वेश्चंस को और सॉल्व करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे दैट इज़ डब्ल्यू और रजिस्टर करके आप सैम्पल पेपर्स अटैम्प्ट कीजिए ताकि आप, आप ख़ुद को एनालाइज़ कर पाए क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपके उन क्वेश्चन का उधर ही आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन चुके हैं आपके और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर और इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है सो इन ऑर्डर टू एनालाइज दोस यू डेफिनेटली हैव टू गिव दो टेस्ट और उसके लिए आपको रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है सो डू रजिस्टर टू आर ऑनलाइन पोर्टल एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग